तो इस वक्त हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि कोर्ट कमिश्नर, एक और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है। कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वजू खाने में जो मछलियां हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त एबीपी न्यूज़ पर आ रही है। एक वकील ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की है। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए वजू खाने के तालाब की मछलियों को छोड़ने की, किसी अन्य जगह छोड़ने की मांग भी की गई है। वकील महेंद्र प्रताप सिंह से बात की है हमारे सहयोगी अजय दुबे ने, सुनवाते हैं उनका क्या कहना है। शिवलिंग मिलने के बाद कोर्ट ने एक जो मस्जिद का एक हिस्सा है उसे सील करने की बात की है, संरक्षण करने की बात की है। इसके चलते कुछ जो दिक्कतें हुई हैं, जो उस वापी में उस जो कथित तौर पर वजू खाना है वहां पर जो मछलियां मिली हैं उनको लेकर और दूसरे मामलों को लेकर एक पक्षकार हैं जो पहुंचे हैं कोर्ट में कि उनके संग क्या किया जाए, इस बारे में बताने के लिए वकील हमारे संग मदन मोहन मौजूद हैं जिन्होंने संरक्षण को लेकर याचिका लगाई थी। ये जो नई याचिका लगी है सर, क्या मामला है? शासकीय अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है जिसमें कल कार्रवाई के दौरान सील हुए कथित ज्ञानवापी मस्जिद के सामने वजू खाना है, वह कभी ज्ञानोदय तीर्थ हुआ करता था, उस स्थान पे कुछ पात्रों में मछलियां रख दी गई हैं, दया भाव वन्य जीवों के प्रति दर्शाते हुए उनको कहीं जल में छोड़ा जाए, इस आशय का प्रार्थना पत्र हमारी शासकीय अधिवक्ता ने दिया है। इसमें यह भी लिखा है कि वजू खाना बंद हो गया है, बाथरूम भी बंद हो गया है, तो उनको लेके भी कुछ कोर्ट से कुछ बात की गई। 6 तारीख को 2001 व्यक्ति प्रवेश किया था नमाज के लिए और वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसको देखते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने आग्रह किया, वो संख्या 20 व्यक्तियों की हो गई। और ऐसी दशा में यह बहुत कोई आवश्यक नहीं कि वहाँ सब कुछ वही सुविधा उनको 5-स्टार होटल जैसी दी जाए, और नमाज अदा करना है कुछ मिनट की बात है, आप 20 लोग हैं तो इसके लिए बहुत सुविधा, आप अगर आप वहाँ चाहते हैं तो ये उचित नहीं है, आप जाइए अपना नमाज कथित नमाज अदा करिए और जाइए। शिफ्ट करने के लिए जो वजू खाने के लिए शौचालय के लिए याचिका लगी है, मछली बचाने को याचिका लगी है, मछली को लेकर तो मुझे लग रहा है फेवर में, पर बाकी दो चीज़ों को लेकर कोर्ट में अपोज करेंगे क्या? नहीं, अगर ऐसा कहते हैं तो फिर तो वो उल्लंघन है, सीज करने के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। से ही मांग कर रहे हैं कि इस बारे में कुछ कीजिए, कोई कमीशन नियुक्त कीजिए और ये जो दिक्कतें हैं उन पे काम कीजिए। नहीं, वो हम इसका अपोज करेंगे, विरोध करेंगे यदि ऐसा होता है, क्योंकि हमने पूरा सीज करने का आग्रह किया है, तो इसका क्या मतलब है? आप नमाज अदा करना चाहते हैं तो कुछ मिनट के लिए अपनी निजी आवश्यकताएं रोक नहीं सकते हैं, रोकिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।